हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी एंड डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाने वाले हैं लौकी से इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है बहुत ही कम समय और कम महीने तक बनकर तैयार हो जाता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यकीन मानिए रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लौकी लिया है वेट में देखा जाए तो ढाई सौ ग्राम के लगभग मैं लौकी है ये और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और हम इसको अच्छे से छील लेंगे तो लौकी को छीलने के बाद हमें मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है यदि आप इसको ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं इसको ग्राइंड करके कर प्यूरी बना लीजिए या फिर इस तरीके से लच्छे तैयार कर लीजिए ये देखिए तो लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है इसको अभी हम रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सिंग वॉल इसमें हम ऐड कर देंगे एक कप के लगभग में बेसन डेढ़ सौ ग्राम लघों का बेसन होगा ये और जिस बर्तन से हम बेसन लेंगे उसी बर्तन से हमें पानी डालना है और उसका डबल पानी डालना है यानी कि हमने एक कप बेसन लिया है तो दो कप पानी डालेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कुठलियाँ ख़त्म होने तक और ये लीजिए मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी के लच्छे जो हमने पहले से ग्रेट करके रखा था और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे लौकी के लच्छे में बेसन घोलने के बाद डालना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा बैटर तैयार है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का बैटर होना चाहिए और जितना आप बेसन लेंगे उसका डबल आपको पानी लेना है अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर आधा छोटी चम्मच धनिया का पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा दो तीन पिंच हेंग डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो ज़रूर डालिएगा और अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यदि आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो भी डालिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर मैंने लिया है पैन इसमें हम ऑयल डाल देंगे एक से डेढ़ चम्मच के लगभग में और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और आधा छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दो कटी हुई हरी मिर्ची और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक ये लहसुन और अदरक का कच्चा पनीर निकल यानी कि कुछ सेकंड तक हम इसको फ्राई कर लेंगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच के लगभग में सफ़ेद तिल और एक छोटी चम्मच के लगभग में चिली फ्लेक्स यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालना ऑप्शनल है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना हो और कुछ सेकंड तक और फ्राई कर लेना है ताकि चिली फ्लेक्स और तिल अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसमें एक घोल डाल देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा था और घोल डालते हैं हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम चलाना शुरू कर देंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और पैन को छोड़ने ना लग जाए जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो मिक्सर में अच्छी सी एक शाइनिंग आ जाएगी इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं बेसन गाढ़ा होना शुरू हो गया है इसको पकाते हुए करीब मुझे पाँच से छः मिनट हो गए आप देख सकते हैं मिक्सर में अच्छा सा शाइनिंग आ गया है और ये पैन को छोड़ने लग गया है तो इसे हमें अब और नहीं पकाना है अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर मैंने लिया है बर्फ़ी का ट्रे और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है इसमें हमें बेसन का मिक्सर डाल देंगे और ये प्रोसेस आपको थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि बेसन को ठंडा होने से पहले ही यदि आपके पास बर्फ़ी का ट्रे नहीं है तो आप कोई भी गहराई वाली प्लेट या फिर थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बर्फ़ी का ट्रे में और इसके बाद हम इसको स्पेशली से अच्छे से सेट कर देंगे यदि स्पेच वाले से पहकने लगे तो थोड़ा सा ऑयल ऑयले फिर पानी लगा लीजिए और इसके बाद इसको इस तरीके से बराबर सा फैला देंगे ट्रे के ऊपर ये देखिए और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ट्रे के ऊपर फैला दिया है अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तिल डाल रही हूँ एक चम्मच के लगभग में और आधा चोटी चम्मच के लगभग में डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और इसको भी हमें स्पेचले से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये मिक्सर के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर चिली फ्लेक्स और तिल डालना ऑप्शनल है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसको कट करेंगे तो ये मिक्सर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं ये देखिए तो अब हम इसको कट कर लेंगे तो इसे आप जिस भी चाकू से काटेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए इस तरीके से ताकि ये मिक्सर अच्छे से कट हो सके और चाकू में न चिपके और इसको आप कुछ जिस शेप में काटना हो उस शेप के इसको कट कर लीजिए मैं इसको बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे शेप में कट कर सकते हैं इस स्नैक्स को इस तरीके से कट करके एयर टाइट कंटेनर भर कर आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होता है जब भी आपका मन करे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है बिल्कुल पनीर की तरह यदि आपको लौकी पसंद नहीं है फिर भी आप इसे ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको फ्राई करने के लिए तेल हमें अच्छे से गर्म करना है यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और इसे फ्राई होने में करीब पाँच से छः मिनट लग जाएंगे तो इसे हमें दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे ये देखिए एक तरफ जब अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद इसको पलट दीजिए और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है बिल्कुल सुनहरे रंग का हो गया देखने में बिल्कुल पनीर की तरह लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है स्नैक्स बनकर तैयार हुआ है तो ये हमारे स्नैक्स दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए स्नैक्स को भी हम सेम तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी आज की रेसिपी एर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में